सुनो भाई, सुना है कि आपके बादशाह अकबर बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के हैं। नहीं, वो बहुत गुस्से वाले हैं। अगर गुस्सा आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। बाप रे, हे माँ, मेरे मार्ग में कोई संकट ना आए। ये मुगल सल्तनत की पालकी तो नहीं लगती, इस पर उसका ध्वज भी नहीं है, ये कौन हो सकता है? पंडित रामाकृष्णा। ये क्या, संकट का नाम लिया और संकट स्वयं उपस्थित हो गया। गुरुवर, आप यहाँ? हाँ। क्यों? ऐसे कैसे? पालकी में एक किंतु आप। किंतु आप ये पंडित रामाकृष्ण, चुप रहिए ना आप। हमें भगवान शिव ने स्वयं दर्शन देकर कहा कि तथाचार्य पुत्र, विजयनगर पर आई संकट की घड़ी में तुम्हें बादशाह अकबर के पास अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र तुम ही बुद्धिमान हो जो इस समस्या का हल निकाल सकता है। उचित कहा शिवजी ने, किंतु मैं योजना के साथ आया हूँ और मैं तो क्या पंडित रामाकृष्ण, मैं बस कीजिए, मत भूलिए आप कि हमें कुशल राजनेता है, राजगुरु है, अनुभव में आपसे कहीं अधिक। वो जो बीरबल है वो भी हमें भली भांति जानता है, सम्मान करता है हमारा, समझ गए? अब आप देखिएगा कैसे चुटकी बजाकर हम इस समस्या का हल निकाल देंगे। और वैसे हम भी पूरी योजना के साथ आए हैं, ये देखिए, यदि बादशाह अकबर ने हमारी बात नहीं मानी तो हम इसे कंठ पर रख देंगे। ये क्या कर रहे हैं? दूध को शस्त्र लाना वर्जित होता है। हमें सब ज्ञात है पंडित रामाकृष्ण, आप हमें मत सिखाइए। वैसे ये मात्र हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम स्वयं भी पर्याप्त हैं। इनके चक्कर में बादशाह अकबर हम दोनों को यहाँ से निकाल देंगे। पंडित रामाकृष्ण, बादशाह सलामत ने आपको अंदर आने की इजाजत दे दी है। चलिए रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इजाजत पंडित रामाकृष्ण के लिए मिली है, किसी दास के लिए नहीं। क्षमा करे, किंतु ये दास नहीं, विजयनगर के राजगुरु हैं। सुन लिया? संतरी कहीं का, आइए हमारे साथ। अरे गुरुवर सुनिए, गुरुवर रुके, मेरी बात तो। गुरुवर, अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है महाराज अकबर। कौन है ये गुस्ताख जो इतना बेअदबी के साथ चला आ रहा है? कौन हो तुम नमकूल? नमकूल? अरे अरे, ओ क्षमा क्षमा, अब ना 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 महाराज अकबर, हम हमारा नाम कूल नहीं है, हम विजयनगर राज्य के अति विशिष्ट अति सम्मानित व्यक्ति हैं, हम वहां के राजगुरु हैं। बीरबल जी, आपने हमको बताया नहीं कि पंडित रामकृष्ण इतने बुजुर्ग हैं और वो सलाहकार नहीं, एक राजगुरु हैं। जहां पना, ये पंडित रामकृष्ण नहीं, ये विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य जी हैं। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण जी कहाँ हैं? वो जहां भी हो, किंतु हम यहाँ हैं और हम यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर लिए बिना नहीं जाएंगे। बांध का पानी नदियों में कब छोड़ा जाएगा? आप हमें बता रहे हो? क्षमा क्षमा बादशाह, बादशाह अकबर, क्षमा क्षमा। वो हम उत्तेजित हो गए थे तो उत्तेजनावश हमारी कटार आपके समक्ष प्रदर्शित हो गई। तुम हम पे हमला करने आए हो क्या? नहीं, हमारा ऐसा 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 कोई प्रयोजन नहीं है महाराज। पकड़ लो उसको। अरे नहीं, अरे हम
रामा। पंडित रामकृष्ण कहाँ है आप? हमारी रक्षा करो अम्मा। अरे पंडित रामकृष्ण आ गए। ये देखो हमने चारों को चारों हानि जीत कर दिया। क्षमा करें जहाँपना, दूत के हाथ में शस्त्र नीति के विरुद्ध होता है, ये हमें ज्ञात है, किंतु वो कटार इन्होंने स्वयं की जंगली पशुओं से रक्षा करने के लिए रखी थी, किसी पर हमला करने के लिए नहीं रखी थी। कहने को ये विजयनगर के राजगुरु हैं, पर हरकतों से लगते नहीं। ये वो विजयनगर के छोटे छोटे बालक बालिकाओं को शिक्षा देने का कार्य करते हैं, ये वो उनके गुरु हैं, इसलिए। जी 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 जी। मुगलिया रियासत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं पंडित रामकृष्ण। जहां पना, लेकिन आपने ये कैसे पहचाना कि ये पंडित रामकृष्ण ही है? जिस अकलबंदी के साथ इन्होंने इनकी जान बचाई, वैसी अकलबंदी सिर्फ पंडित रामकृष्ण ही दिखा सकते हैं। और वैसे भी पंडित रामकृष्ण किसी की तारीफ के मोहताज नहीं। बजा फरमाया जहाँ पना आपने, यही है विजयनगर की शान और मेरे परम मित्र पंडित रामकृष्ण। स्वागत है आपका। बड़े हो गए हो, पिछली बार जब तुम्हें देखा था तो। और आप तो वैसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले। स्वागत है आपका। और जहां पना, हम हैं विजयनगर राज्य के महाज्ञानी, महाविद्वान, महाप्रकांड, बुद्धि कौशल के स्वामी पंडित तथाचार्य का परिचय पहले ही हो चुका है। बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए, उठा लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण आप? भला हम महाराज अकबर को कैसे उठा सकते हैं? महाराज अकबर को नहीं, धोती उठा लीजिए। अब आपके यहाँ आने की वजह बताइए। जी साहब, आप शांत रहिए, हम हैं ना, हम बता रहे हैं। हाँ। देखिए जहाँ पना, हम आपको साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं कि आपको बांध का जल छोड़ना होगा, बस। और आप विश्राम कीजिए ना, मैं बात। चुप रहो। आपको क्या अनुभव है इन विषयों पर बात करने का? हम ज्ञानी हैं, अभी देखिए हम कैसे बात करते हैं, हमसे सीखो, सीखो। जहाँ पना, यदि आपका विचार ये है कि विजयनगर जल के अभाव में आपके समक्ष झुक जाएगा, तो आपका विचार बिल्कुल गलत है। विजयनगर कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता। अच्छा गुरु, मेरी बात सुनिए। मैं और जहाँ पना, हम विजयनगर के लोग ना कभी किसी से भयभीत होते हैं और ना किसी के समक्ष झुकते हैं। जो लोग झुकते नहीं है उन्हें झुकाना हमें अच्छे से आता है। देखते हैं बिना पानी के आप कब तक अपने घुटने नहीं टेकते। यही बात है तो आप हमारे सामने बांध का पानी छोड़ने की गुजारिश लेकर क्यों आए हैं? जहां पना क्षमा करें, किंतु यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम दोनों तो विजयनगर की ओर से आपका धन्यवाद अर्पण करने आए हैं। धन्यवाद? हाँ,
धन्यवाद। हाँ, जी जहाँपनाह, हम संपूर्ण विजयनगर की ओर से आपका धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि अच्छा हुआ आपने दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली नदियों के जल को बांध बनाकर रोक दिया। अरे आपके कारण ही तो विजयनगर की संपूर्ण प्रजा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई है। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली नदियों के जल को नहीं रोकते तो हमें तो वो ज्ञात ही नहीं होता जो आपके कारण ज्ञात हुआ। देखिए, हुआ यूं कि आपने नदियों पर बांध बना दिया जिस कारण जल की आपूर्ति रुक गई, और जीवन में पहली बार विजयनगर की नदियां सूख गईं जो आज तक कभी नहीं सूखी थी। और तब जाकर जहाँपनाह ये ज्ञात हुआ कि उन सूखी नदियों के नीचे कच्चे हीरों की खान है। हीरों की खान? अरे पंडित रामकृष्ण, ये सब कब हुआ? हमें क्यों ज्ञात नहीं? क्योंकि आप विजयनगर से पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। शांत पड़े रहिए। हाँ जहाँपनाह, इतने हीरे निकले हैं जिनकी गणना करना भी असंभव है। लोगों की तो चांदी होती है ना जहाँपनाह, किंतु विजयनगर वासियों की तो हीरी हो गई हीरी। ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है जहाँपनाह, क्योंकि ऐसा हुआ है। उन हीरे के खानों के कारण विजयनगर अब और भी शक्तिशाली और भी समृद्धशाली राज्य बन गया है, और ये सब आपके कारण हुआ। मैं आपके लिए भी भेंट स्वरूप बोरी भर के कच्चे हीरे लेकर आया हूँ। एक क्षण। हाँ, आप इतना भी नहीं जानते कि महारानी के कक्ष में अनुमति के बिना आप भीतर नहीं आ सकते। क्षमा चाहते हैं महारानी, किंतु हम यहाँ जो बात करने आए हैं वो अत्यंत आवश्यक है। यहाँ आप अपने श्रृंगार में मग्न हैं और वहां महाराजा अकबर की सेना अपने अस्त्र शस्त्र का श्रृंगार विजयनगर पर आक्रमण करने के लिए कर रही होगी। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? महारानी, विदुर नीति में वर्णित है, महते योपकाराय नरस्य प्रभवेत्ररे तेन वैरम समासज्य दूरस्थमीति नाश्चेत। अर्थात शत्रु चाहे राज्य से कितना भी दूर क्यों ना बैठा हो, राजा को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तनिक सी भी चूक राज्य और राजा को भारी संकट में डाल सकती है। महारानी, हमें मुगल सेना को यह अवसर नहीं देना चाहिए कि वो हम पर आक्रमण कर सकें, अभी तो हमें उससे पूर्व ही उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। किंतु पंडित रामकृष्णा जी महाराजा अकबर के पास जल संकट का उपाय करने गए। महारानी, आपको ज्ञात नहीं है कि वो जिसके दरबार में गए हैं वो कोई साधारण शासक नहीं है। आप भूलिए मत, उनके दरबार में बीरबल जैसे चातुर्य और बुद्धि के धनी नवरत्न हैं। पंडित रामकृष्णा उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पंडित रामकृष्णा जी को कम आंक रहे हैं? और आप आवश्यकता से अधिक। महामात्य जी, महारानी हमारी बात पर विचार कीजिए। यदि महाराजा अकबर ने बांध का जल कृष्णा नदी में नहीं छोड़ा तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। पूरे राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी। जल के अभाव में पूरा विजयनगर राज्य समाप्त हो जाएगा, और जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो आप राज किस पे करेंगे? महारानी, पंडित रामकृष्णा के भरोसे मत रहिए। हमें आज्ञा दीजिए कि हम मुगल राज्य के दांत खट्टे कर सके, उनकी ईंट से ईंट बजाकर उन्हें लोहे के चने चबवा देंगे। फिर वो क्या, कोई और राज्य भी विजयनगर की ओर दृष्टि उठाने का साहस नहीं करेगा। ठीक है, यदि कल तक पंडित रामकृष्णा जी की ओर से कोई सूचना नहीं आए
तो आप मुगल राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कीजिए। ना विजयनगर का साम्राज्य मिटेगा और ना ही हमारा शासन। जो आज्ञा महाराज। महारानी तो सोच भी नहीं सकती कि मुगलों की सेना पर आक्रमण से पूर्व ही मुगलों तक ये सूचना हम स्वयं पहुंचाएंगे और बनेंगे उनके विश्वास पात्र, और उसके पश्चात विजयनगर का आने वाला इतिहास अपने नए राजा का राज्याभिषेक करेगा और वो होंगे हम। महाराजा प्रलयंकर की जय। बीरबल जी आप ही कहें, नदी में ऐसे हीरों की खान मिलना मुमकिन है? जरूर पंडित रामकृष्ण की ये कोई युक्ति है। जी जहांपना, बिल्कुल मुमकिन है। वैसे जहांपना, हमें शुक्रिया अदा करने स्वयं रामकृष्ण जी यहाँ पधारे हैं, लेकिन अब शुक्रिया अदा करने की बारी तो हमारी है। जहांपना, आपको तो याद होगा ही आपके वालिद हुजूर मरहूम हुमायूं जी का सिर्फ हीरो से जड़ा बुत बनवाने का फैसला जो आप ही ने लिया था। उसके लिए अब हमें हीरे ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, सही कहा आपने बीरबल। आपके कहने का यही मतलब है ना कि हीरे विजयनगर से हासिल किए जा सकते हैं? बजा फरमाया जहांपना आपने। हमारी रियासत के काबिल जौहरियों को हम विजयनगर भेज देते हैं, नदी में से चुन चुन कर वो हीरे ले आएंगे और आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। और पंडित रामकृष्ण जी, हीरो का मूल्य बादशाह सलामत के खजाने से चुका दिया जाएगा। जहांपना, सही फरमाया ना हमने? जहांपना, 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 क्षमा कीजिए, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके राज्य में कोई श्रेष्ठ शिल्पकार नहीं है, है ही नहीं। अन्यथा क्या कभी कोई मात्र हीरो की प्रतिमा बनवाता है क्या? गुरुवर आप शांत हो जाइए। अरे आप चुप हो जाइए, आप देख नहीं रहे हम बात कर रहे हैं जहांपना से? जहांपना, कृपया आप हमारी उन शिल्पकारों से भेंट करवाइए, हम उन्हें सिखाएंगे कि प्रतिमा कैसे बनानी चाहिए, नहीं बाबा, प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है राजगुरु जी के दाल में कुछ काला है? है? दाल काला, काली दाल, क्या अब कहना क्या चाह रहे? कहीं ऐसा तो नहीं राजगुरु जी कि नदी में हीरो की खान मिलने की खबर सिर्फ एक कहानी है? या तो फिर आप हमें हीरे बेचना ही नहीं चाहते? पंडित रामकृष्ण इधर देखिए। अरे पंडित रामकृष्ण, इन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा हम पर नहीं, आप पर। अब यदि जहांपना क्रोधित हो गए, आपको मृत्यु दंड दे दिया तो क्या होगा? अरे आपके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे। हाँ नहीं, हमें तो विजयनगर जाना है, हमें विजयनगर जाकर हीरे चाहिए, हमें नहीं मरना है। हाँ, ये सब आपको यहाँ आने से पूर्व सोचना चाहिए था गुरुवर। वो सुना है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अरे हमें घुन नहीं बनना है पंडित रामकृष्ण। क्या हुआ? आप लोगों के चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? हीरो की खदान कहानी है ना? अब क्या करूं, क्या कहूं? हमारे परम मित्र पंडित रामकृष्णा ने कृष्णा नदी में प्राप्त हुई हीरे की खदान की मनगढ़ंत कहानी का पासा फेंका, वो भी ये सोचकर कि महाराज अकबर उनकी बातों पे विश्वास कर लेंगे और बांध का जल खोल देंगे। रामा के मित्र बीरबल वो भी कम बुद्धिमान नहीं है, लगता है अपने मित्र का पासा और उनकी भाषा दोनों समझ गए हैं। अब आएगा मजा पंडित रामकृष्ण और बीरबल का बुद्धि युद्ध देखने में।